हाय, मेरा नाम अखिलेश कुमार श्रीवास्तव है और आज के इस वीडियो में हम स्टैक के प्रोग्रामिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन देखेंगे। मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आपने इस वीडियो को देखने से पहले स्टैक के प्रिमिटिव ऑपरेशंस के वीडियोस को आपने ऑलरेडी देख लिया है, क्योंकि तो इस वीडियो में हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे की तरफ एक्सटेंड करें। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन कैसे होता है। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, इनफिक्स एक्सप्रेशन, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ सी। इस एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये मान लिया है कि इस एक्सप्रेशन के सबसे लास्ट में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है डॉलर, और इन सभी कैरेक्टर्स को हम वन बाय वन रीड करते हैं। डॉलर का मतलब है एंड ऑफ द एक्सप्रेशन। जब जैसे ही हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास एक ऑपरेंड है, तो उसको हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड कर देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास ऑपरेटर है और एक स्टैक का यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं जिसका नाम है ऑपरेटर स्टैक, क्योंकि इसमें ऑपरेटर को डालेंगे। तो जैसे हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमारे पास एक ऑपरेटर है और स्टैक एम्प्टी है, इस ऑपरेटर को हम स्टैक पे पुश कर दें। फिर हमारे पास बी आता है जो कि ऑपरेंड है, और अभी अभी हमने देखा कि ऑपरेंड के केस में हम सिंबल को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड करें। देन वी हैव द ऑपरेटर, लेकिन स्टैक एम्प्टी नहीं है, इस केस में मुझे प्रेसिडेंस चेक करना पड़ेगा। तो प्रेसिडेंस चेक करने के लिए हम प्रेसिडेंस चेक करेंगे स्टैक के टॉप एलिमेंट का जो कि प्लस है, ओवर द कमिंग सिंबल जो कि हमारा मल्टीप्लिकेशन है। प्रेसिडेंस फंक्शन मुझे ये बताता है कि क्या पहले ऑपरेटर का दूसरे ऑपरेटर पे प्रेसिडेंस है कि नहीं। इस केस में हम प्लस का प्रेसिडेंस फाइंड कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। निश्चित रूप से प्लस का प्रेसिडेंस मल्टीप्लिकेशन से कम है, तो इसलिए ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और अगर हमें फॉल्स मिलता है तो उस केस में हम ऑपरेटर को स्टैक में पुश करें। तो हमारे पास प्लस पहले से था स्टैक पे, हमने मल्टीप्लिकेशन को पुश कर। फिर मेरे पास एक सी आता है जो कि ऑपरेंड है, तो इस ऑपरेंड को हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड कर देते हैं। डॉलर एंड ऑफ द एक्सप्रेशन बताता है, और एंड ऑफ द एक्सप्रेशन आने पे स्टैक के बचे हुए सारे सिंबल्स को वन बाय वन हम पॉप करेंगे। जैसे कि सबसे पहले मुझे मल्टीप्लिकेशन मिलेगा, फिर उसके बाद एक और पॉप करेंगे जो कि प्लस होगा, और स्टैक एम्प्टी हो जाता है, और यही मेरा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है। तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बनाने के लिए मुझे एक स्टैक चाहिए और एक पीआरसीडी मतलब प्रेसिडेंस फंक्शन चाहिए। तो हम रूल समझते हैं कि किन किन रूल्स के हिसाब से हम स्टैक में पुश करेंगे या स्टैक से पॉप करेंगे। तो हमारा अगर प्रेसिडेंस फंक्शन ट्रू देता है तो हम स्टैक से पॉप करेंगे और पॉप किए गए सिंबल को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड करेंगे। अगर इस प्रेसिडेंस को फाइंड करने और पॉप करने के बाद भी स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो हम एक बार फिर से प्रेसिडेंस फंक्शन को चेक करेंगे, और जब तक प्रेसिडेंस मेरा ट्रू आता रहेगा तब तक हम पॉप करके एलिमेंट को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड करते हैं। लेकिन अगर प्रेसिडेंस फॉल्स आता है या स्टैक एम्प्टी होता है, दोनों के केस में हम पुश करेंगे स्टैक में सिंबल को या फिर ऑपरेटर को। तो आइए हम एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं जिसमें कि प्रेसिडेंस ट्रू होता है। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक एक्सप्रेशन है ए मल्टीप्लाइड विथ बी, लेट्स से ये सिंबल मेरा एक्सपोनेंट है, और सी प्लस डी। सो मेरे पास ये एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन में जो सिंबल्स मुझे मिले हैं ए मल्टीप्लिकेशन, बी एक्सपोनेंट, सी प्लस एम डी, और लास्ट सिंबल को हम मान रहे हैं ये डॉलर। ये मेरा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है और मेरे पास एक स्टैक होगा, और मैं प्रेसिडेंस को चेक करूंगा बार बार बारी बारी से, जब जब मुझे कोई ऑपरेटर रिसीव होगा और स्टैक में कुछ सिंबल्स होंगे पहले से। तो मेरे पास एक सिंबल आया ए जिसको मैं पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड कर दूंगा, मल्टीप्लिकेशन आया जो कि ऑपरेटर है और स्टैक एम्प्टी है, तो मैं इसको स्टैक पे पुश कर दूंगा। फिर बी आता है जो कि ऑपरेंड है, इसको मैं पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड करूंगा। एक्सपोनेंट आता है जो कि एक ऑपरेटर है और स्टैक एम्प्टी भी नहीं है, तो मैं प्रेसिडेंस चेक करूंगा स्टैक के टॉप सिंबल का एक्सपोनेंट पे
जो कि फॉल्स है, और फॉल्स के केस में मुझे क्या करना है, स्टैक पे सिंबल को पुश करना। तो मैंने एक्सपोनेंट सिंबल को स्टैक पे पुश कर, फिर सी आया, सी को मैं पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड कर दूंगा, प्लस आया जो कि ऑपरेटर है, इस केस में मुझे प्रेसिडेंस चेक करना पड़ेगा। प्रेसिडेंस मैंने चेक किया स्टैक के टॉप एलिमेंट का प्लस के साथ में, और ये जो प्रेसिडेंस है वो ट्रू है क्योंकि एक्सपोनेंट का प्रेसिडेंस प्लस से ज्यादा है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। और ट्रू के केस में मैं स्टैक से एक सिंबल को पॉप करूंगा और उसको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड करूंगा। अब मेरे पास स्टैक में केवल मल्टीप्लिकेशन बचा है, तो चूंकि ये प्रेसिडेंस ट्रू था, एक बार फिर से मैं प्रेसिडेंस चेक करता हूँ, और अब जो प्रेसिडेंस चेक होगा वो स्टैक का टॉप सिंबल मल्टीप्लिकेशन है प्लस सिंबल है मेरा, ये भी ट्रू है, और इस केस में मैं स्टार को या मल्टीप्लिकेशन को भी पॉप करके पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड कर दूंगा। इन दोनों सिंबल को निकालने के बाद स्टैक एम्प्टी हो जाता है, इसलिए मैं अपने सिंबल को जो कि प्लस है स्टैक में पुश कर दूंगा। तो अब मेरे पास स्टैक में केवल प्लस, नेक्स्ट सिंबल मेरा डी है, तो ए बी सी एक्सपोनेंट मल्टीप्लिकेशन डी, क्योंकि हमने डी को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड कर दिया। फिर डॉलर आता है जो एंड ऑफ एक्सप्रेशन को डिनोट करता है, तो स्टैक में बचे हुए सारे सिंबल एक एक करके पॉप होंगे और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड हो जाएंगे, और ये मेरा आंसर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो आपने देखा कि यहाँ पे इस मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रेसिडेंस फंक्शन इज प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर अस। तो मुझे सबसे पहले एक प्रेसिडेंस फंक्शन बनाना पड़ेगा, कुछ प्रेसिडेंस रूल्स डिफाइन करते हैं और अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंस फंक्शन। तो प्रेसिडेंस फंक्शन के लिए जो रूल है वो ये है कि प्रेसिडेंस फंक्शन में दो ऑपरेटर पास होंगे, लेट्स से ऑपरेटर वन और ऑपरेटर टू। रूल ये कहता है कि अगर ऑपरेटर वन का प्रेसिडेंस ऑपरेटर टू से ज्यादा है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ऑपरेटर वन का प्रेसिडेंस लेस देन ऑपरेटर टू है तो भी ये ट्रू रिटर्न, सॉरी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। एक बार ट्रू और एक बार फॉल्स, अगर ऑपरेटर वन का प्रेसिडेंस ज्यादा है ऑपरेटर टू से तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ऑपरेटर वन का प्रेसिडेंस अगर कम है ऑपरेटर टू से तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। मान लीजिए ऑपरेटर वन का प्रेसिडेंस इक्वल है ऑपरेटर टू को, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास प्लस प्लस आ जाए, या प्लस माइनस आ जाए, या मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन आ जाए, या डिविजन मल्टीप्लीकेशन आ जाए, या डिविजन डिविजन आ जाए, या मॉडुलस डिविजन आ जाए, या मॉडुलस मल्टीप्लीकेशन आ जाए, इन सभी केसेस में मैं टू रिटर्न करूँ। ऐसा इसलिए कि अगर आपके पास एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें ए प्लस बी प्लस सी है और हम पहले वाले प्लस का प्रेसिडेंस देख रहे हैं दूसरे वाले पे, तो इसको ट्रू होना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट एसोसिएटिव है ये ऑपरेटर, और लेफ्ट एसोसिएटिव केस में हम पहले वाले पार्ट को इवेल्युएट, तो इसीलिए पहले वाले प्लस ऑपरेटर का प्रेसिडेंस दूसरे वाले से ज्यादा बड़ा। तो जितने भी लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेटर हैं उसमें अगर ऑपरेटर वन का प्रेसिडेंस ऑपरेटर टू के इक्वल है तो मैं ट्रू रिटर्न करूँ। मान लीजिए कि आपके पास एक्सपोनेंट, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 2 एक्सपोनेंट 3 एक्सपोनेंट 4। अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो हम ऐसे लिखते हैं 2 रेस टू द पावर 3 रेस टू द पावर 4। इस केस में पहले 3 रेस टू द पावर 4 इवेलुएट होता है, और जो भी आंसर आता है लेट्स से 2 रेस टू द पावर 4 3 रेस टू द पावर 4 की वैल्यू एक्स है तो वो 2 के पावर में देन इवेलुएट। इसका मतलब सबसे पहले हम इसको इवेलुएट करेंगे एंड देन जो भी आंसर आएगा उस आंसर के साथ हम ये वाला एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर एक्सपोनेंट है और एक्सपोनेंट ऑपरेटर की एक्सपोनेंट ऊपर हम प्रेसिडेंस चेक कर रहे हैं तो ये फॉल्स आएगा क्योंकि पहले वाले एक्सपोनेंट को हम पहले इवेल्युएट करके दूसरे वाले को इवेल्युएट। तो अगर राइट एसोसिएटिव है तो राइट एसोसिएटिव के केस में हम फॉल्स रिटर्न। फाइन, तो इस प्रोसेस को या इस जानकारी को साथ में रखते हुए हम कोडिंग का स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो एट दी कोड ब्लॉक्स एंड कोड दिस। सो हियर इज अ कोड ब्लॉक स्क्रीन, और इस कोड ब्लॉक स्क्रीन पे हमने ऑलरेडी स्टैक के प्रिमिटिव ऑपरेशंस को लिखा हुआ है। सबसे पहले स्ट्रक्चर डिफाइन किया स्टैक का, देन इनिशियलाइज फंक्शन, इज एम्प्टी फंक्शन, पुश फंक्शन, पॉप फंक्शन और स्टैक टॉप। स्टैक टॉप केवल रीड करके हमें दे देगा। स्टैक टॉप बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस केस में जब हम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रेसिडेंस फंक्शन डिजाइन करते हैं। प्रेसिडेंस फंक्शन में
हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर मेरा पहला ऑपरेटर एक्सपोनेंट है, तो हम सबसे पहले ऐसा हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर यहाँ पे चेक करें, तो हमने देखा कि अगर पहला ऑपरेटर एक्सपोनेंट है, अब एक्सपोनेंट का सिंबल आपको खुद से अज्यूम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम हैश को मान रहे हैं कि लेट्स से यहाँ पे एक्सपोनेंट है, हालांकि वहाँ हमने अपर एरो माना था, लेकिन अपर एरो यहाँ पे कोई इस तरह का ऑपरेटर होता नहीं, और अगर हम अपर कैप को लेते हैं तो वो XOR होता है, तो इसलिए हम उसको अवॉइड कर रहे हैं। मान लेते हैं कि जो हैश मेरा है वो एक एक्सपोनेंट सिंबल को डिनोट करता है, कई बार इसको डॉलर भी ले लेता है, तो अगर आपको डॉलर लेने का लगता है तो आप डॉलर भी ले सकते हैं, लेट्स से हम डॉलर। तो पहला ऑपरेटर अगर हमारा एक्सपोनेंट है और दूसरा ऑपरेटर कोई भी हो, इसका प्रेसिडेंस ट्रू हो, या फिर हम इसको इन अपोजिट ये भी कह सकते हैं कि अगर मेरा पहला ऑपरेटर एक्सपोनेंट है और ऑपरेटर टू भी अगर एक्सपोनेंट हो जाए तो ये फॉल्स रिटर्न करे। ऑब्वियस है ये कि हमने देखा था कि एक्सपोनेंट ओवर एक्सपोनेंट का जो प्रेसिडेंस है वो फॉल्स होता है, लेकिन इसके अलावा कोई भी कंडीशन होगी तो ये ट्रू रिटर्न। इसका मतलब ये है कि अगर पहला ऑपरेटर एक्सपोनेंट है और दूसरा ऑपरेटर मल्टीप्लीकेशन हो जाए, डिविजन हो जाए, मॉडुलस हो जाए, प्लस हो माइनस हो, इस केस में ये ट्रू रिटर्न। दूसरा हम एक और भी देखते हैं, इसको हम सेपरेट कंडीशन की तरह से लेते हैं कि अगर हमारा पहला ऑपरेटर प्लस मल्टीप्लीकेशन या पहला ऑपरेटर मेरा डिवीजन है, या मेरा पहला ऑपरेटर मॉड्यूलस है, तो मॉड्यूलस हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन, इन तीनों की प्रायोरिटी सेम होती है। तो अगर मेरे पास सेकंड ऑपरेटर एक्सपोनेंट हो तो ये फॉल्स रिटर्न करे। अदरवाइज ये ट्रू रिटर्न करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर सेकेंड ऑपरेटर डॉलर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सपोनेंट की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो इससे फॉल्स रिटर्न करेगा, लेकिन दूसरा ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिविजन मॉडुलस कुछ भी हो, ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो इन दोनों कंडीशंस को अगर आप ध्यान से देखें जो हमने यहाँ पे लिखा, और इसके अंदर का पार्ट आप देखें, तो अंदर का पार्ट दोनों में सेम, तो क्यों ना हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, क्योंकि अंदर का पार्ट इसमें सेम। तो हमने क्या किया कि पहला ऑपरेटर अगर डॉलर है या पहला ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है या मॉड्यूलस है, इन सभी के केस में अगर सेकंड ऑपरेटर डॉलर होगा या एक्सपोनेंट होगा तो हम रिटर्न करेंगे फॉल्स, अदरवाइज हम ट्रू रिटर्न करेंगे। तो इसका मतलब कई सारी कंडीशंस को हमने इसके अंदर हैंडल करी है। अब ये एल्स ये बता रहा है कि पहला ऑपरेटर मेरा डॉलर नहीं है, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, और डिवीजन भी नहीं है, और मॉडुलस भी नहीं है। इस केस में जो पहला ऑपरेटर है वो या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, यहाँ हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि हम केवल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को लेकर चलें। तो अगर मेरा पहला ऑपरेटर प्लस है या पहला ऑपरेटर माइनस है, तो इस केस में अगर दूसरा ऑपरेटर भी प्लस माइनस हुआ तो निश्चित रूप से हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, क्योंकि प्लस 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 माइनस माइनस प्लस या माइनस माइनस का जो प्रेसिडेंस होता है वो ट्रू होगा, लेकिन दूसरा ऑपरेटर इसके अलावा कुछ भी हुआ तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि दूसरा ऑपरेटर प्लस हो तो मल्टीप्लीकेशन हो तो भी फॉल्स होगा, दूसरा ऑपरेटर अगर डिविजन हो तो भी फॉल्स होगा, दूसरा ऑपरेटर अगर एक्सपोनेंट है तो भी फॉल्स होगा। तो ये भी हमने प्रोसेस बना लिया जिसमें कि अगर पहला ऑपरेटर प्लस है और दूसरा ऑपरेटर अगर माइनस हो तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, या प्लस हो तो भी हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, लेकिन अगर पहला दूसरा ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस या एक्सपोनेंट होगा तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो शायद हमने एक बेसिक लेवल का जो प्रेसिडेंस फंक्शन है वो डिजाइन कर लिया है। अब मेरा काम क्या है कि इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन करना। तो मान लेते हैं कि इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन में मुझे इनफिक्स एक्सप्रेशन एक स्ट्रिंग के फॉर्म में ऑलरेडी मिला हुआ है, तो मैं एक छोटा आई ले लेता हूँ जो कि आइटरेट करेगा इनफिक्स एक्सप्रेशन पे, और जीरो कैरेक्टर को या जीरो इंडेक्स वाले कैरेक्टर को हम सबसे पहले पिक करेंगे।
इसके बाद हम एक और एक्सप्रेशन ले लेते हैं जिसका नाम लेट्स हमने ले लिया पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। एक डिफाइंड साइज का हमने ले लिया और इसके बाद हम एक इंटीजर जे ले लेते हैं जो कि आइटरेट करेगा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन पे। तो जैसे जैसे कैरेक्टर्स ऐड होते रहेंगे वो जे इंडेक्स पे ही ऐड। अब हम एक काम करते हैं कि जब तक इनफिक्स एक्सप्रेशन में कैरेक्टर्स हैं तब तक हम अपने प्रोसेस को चलाते रहें। तो फाइल इनफिक्स साइज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, तब तक हम अपने प्रोसेस को चलाएंगे और जो भी कैरेक्टर है इस इनफिक्स एक्सप्रेशन का उसको हमने सिंबल में ले लिया। तो सिंबल एक कैरेक्टर होगा, इस सिंबल को एज ए वेरिएबल हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि ये सिंबल ऑपरेटर है कि ऑपरेंड है। तो अगर ये ऑपरेंड है तो हो सकता है कि ए से जेड के बीच में, तो इसकी आस्काई वैल्यू हम चेक कर लेते हैं। अगर सिंबल की आस्काई वैल्यू ये जो सिंबल हमारा है इसकी आस्काई वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए हो या लेस देन और इक्वल टू जेड हो तो ये ऑपरेंड होता है। साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं कि अगर वो अपर केस लेटर है या न्यूमरल है तो भी हम उसको मान लेंगे कि वो एक ऑपरेंड है। तो चलिए हम अपर केस लेटर्स को भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, या फिर हम ये भी मान सकते हैं कि अगर कोई न्यूमरल हो तो भी वो माना जाएगा कि ऑपरेंड है, तो हमने ऐसा मान लिया। तो अगर ये ऑपरेंड है तो हम इसको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड कर देंगे। तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के jth कैरेक्टर पे हम सिंबल को ऐड कर, jth पोजीशन में ऐड करने के बाद j को मुझे इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा ताकि जो नेक्स्ट सिंबल मेरा आए वो अपडेटेड पोजीशन पे आए। अगर ये ऑपरेंड नहीं है तो हमने मान लिया है कि ये ऑपरेटर ही होगा क्योंकि हमने इसकी सिंटैक्स एनालिसिस करके ये चेक कर लिया है कि सिंटैक्स एरर था तो हमने उसको रिमूव कर लिया। और फिलहाल मेरे पास जो एक्सप्रेशन है वो करेक्ट एक्सप्रेशन है। अब हम इसको कन्वर्ट करने वाले हैं पोस्टफिक्स में, तो एक्सप्रेशन बिल्कुल परफेक्ट है, सही है, कोई भी गलती नहीं है एक्सप्रेशन में, हम ऐसा मान लेते हैं। तो अब मेरे एक्सप्रेशन में जो कैरेक्टर्स हैं उन वो ऑपरेटर है और ऑपरेटर के केस में आपको पता है कि अगर स्टैक एम्प्टी हो तो हम स्टैक को पुश कर लेते हैं और अगर प्रेसिडेंस फॉल्स हो तो भी हम स्टैक को पुश कर देते हैं। लेकिन अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है और प्रेसिडेंस भी ट्रू आ रहा है तो उस केस में हम बार बार स्टैक से पॉप करते हैं और सिंबल को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड करते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो पार्ट है वो एक लूप में होगा। हमने यहाँ पे एक फंक्शन लगाया व्हाइल नॉट इज एम्प्टी एंड प्रेसिडेंस इज ट्रू, तो PRCT फंक्शन हमने बनाया हुआ है जिसमें हम दो पैरामीटर को पास करें। पहला है स्टैक का टॉप कैरेक्टर, तो लेट्स से स्टैक टॉप फंक्शन से हमने स्टैक का टॉप वाला कैरेक्टर ले लिया और ये जो सिंबल मेरा करंटली आया है उसको भी ले लिया। और अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो हम स्टैक से एक एलिमेंट को पॉप करते हैं और पॉप किए गए करेक्टर को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड कर देते हैं। ये पार्ट हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो एक करेक्टर को हमने पॉप किया और पॉप किए गए करेक्टर को हमने पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड कर दिया। लेकिन अगर स्टैक एम्प्टी हो जाए या प्रेसिडेंस फॉल्स हो जाए तो उस केस में जो सिंबल है हम उसको पुश कर देते हैं स्टैक पे। तो जब तक मेरे पास कैरेक्टर्स हैं स्टैक में तब तक ये काम चलता रहेगा। जब तक कैरेक्टर्स हैं इनफिक्स एक्सप्रेशन में तब तक मेरा ये आइडेंटिफिकेशन होता रहेगा कि हम ऑपरेंड है तो हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में डायरेक्टली ऐड करें और ऑपरेटर है तो कुछ कंडीशंस को डिसाइड करके हम इस काम को करें। जब हमने इस काम को कंप्लीट कर लिया तो स्टैक में बचे हुए जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको हम वन बाई वन पॉप करेंगे और पॉप किए गए कैरेक्टर को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड करेंगे। तो ये काम कैसे होगा, हम स्टैक से पॉप करेंगे और पॉप किए गए सिंबल को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड करेंगे। जब टास्क मेरा कंप्लीट हो जाएगा और सारे कैरेक्टर्स आ जाएंगे स्टैक एम्प्टी हो जाएगा तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्योंकि एक स्ट्रिंग है तो इसके लास्ट कैरेक्टर को हमें स्पेसिफिकली नल बनाना है। इस काम को करने के बाद
आप अपने पोस्टफिक्स सब्सक्रिप्शन को प्रिंट कर सकते हैं। तो एक छोटा सा प्रोग्राम हमने बनाया, अब इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई एरर तो नहीं। तो बहुत छोटी छोटी एरर्स इसमें हो सकती हैं। तो ये एरर तो ये प्रोग्राम बन गया है, अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं कि क्या मेरा प्रोग्राम सही रन कर रहा है। ये मैंने रन किया, एक छोटा सा एक्सप्रेशन मैं देता हूँ a+b। ओके, सो इसमें कुछ गलतियाँ हैं, बहुत छोटी सी गलती है जो कि मैंने अभी भी जस्ट ऑब्जर्व किया कि हमने कहीं पे भी i को आगे नहीं बढ़ाया, i को हमने इंक्रीमेंट नहीं किया। तो जैसे आपने कैरेक्टर को ले लिया है वैसे आप i को आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, अभी भी कुछ एरर्स हैं। सो देर वॉज अ वेरी सिंपल एरर जिसको मैंने रिमूव कर लिया। यहाँ पे मैंने इनिशलाइज फंक्शन ले लिया ताकि मैं हर एक स्टैक को इनिशलाइज कर सकूँ। उस समय इनिशलाइज फंक्शन इसलिए यूज किया था कि मैं इनिशलाइज कर सकें स्टैक को। फिर इसके बाद बाकी सारा कोड बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब मैं इसको एक बार रन करके चेक करता हूँ। तो मेरे पास एक a+b एक्सप्रेशन है जिसका पोस्टफिक्स इक्विवेलेंट ab+ होगा। तो आइए एक बड़ा एक्सप्रेशन लेते हैं और उसके साथ इसको चेक करते हैं। लेट्स से मेरे पास एक्सप्रेशन है a·b+c एंड $d। तो आप चेक कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस डॉलर का है, तो डॉलर वाला पार्ट सबसे पहले वैल्यूएट हुआ। फिर मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट को हमने कन्वर्ट कर लिया, ए भी मल्टीप्लिकेशन कर लिया, और सबसे कम प्रायोरिटी प्लस किया तो सबसे बाद में वो वाला पार्ट है। तो हमने देखा कि हमने इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन बहुत ही आसानी से कर लिया। तो इस वाले लेक्चर में हमने ये देखा कि इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन कैसे होता है। इस कन्वर्जन को हमने कुछ अजम्पशन से साबित किया, जैसा कि इसमें कि हमने ये अजम्पशन किया कि कोई भी पैरेंथेसिस नहीं आएगा, और हमने ये अजम्पशन किया कि हमारे पास जो भी वेरिएबल्स आ रहे हैं उनका जो नेम है वो सिंगल लेंथ। तो सिंगल लेंथ वाले पार्ट को तो हम ठीक है हैंडल कर सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट वाले पार्ट के लिए हमें कुछ कन्वर्जन या कुछ ये सारे अजम्पशन को रिमूव करने के लिए हमें फिर से प्रेसिडेंस फंक्शन को रीडिफाइन करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यही देखेंगे कि किस तरह से हम ब्रैकेट के पार्ट को भी इंक्लूड कर सकें, पैरेंथेसिस के पार्ट को भी इंक्लूड कर सकें इनको। तो थैंक यू।